नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंघल अंतरशक्ति चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले प्रोग्राम में हमने जो नंबर आपको दिया था उस पे सवालों के साथ बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में पहला सवाल शामिल कर रहे हैं। नमस्कार रजनी जी, मैं परिणा बाशवी। आपको अंतरशक्ति चैनल पे मैं लगातार देख रही हूँ, आपके प्रोग्राम्स को सुन रही हूँ। मेरा भी आपसे आज दो सवाल थे जो मैं आपसे जानना चाह रही थी। पहला सवाल ये है कि 12 से 15 साल मुझे हो रहे हैं इस एक्टिंग फील्ड पर, और जैसे कि मुझे कामयाबी मिल रही है, लेकिन जिस स्तर की कामयाबी या सफलता मुझे चाहिए, जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक सेलिब्रिटी की तरह चमकूँ, तो उसके लिए आप मुझे क्या बताना चाहेंगी। और दूसरा सवाल ये था मेरा मेरे हस्बैंड को लेकर के कि आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे अप एंड डाउन्स तो लाइफ में चलते ही रहते हैं, तो मेरा सवाल ये था कि आफ्टर रिटायरमेंट इनका कोई अपना बिजनेस होगा या इन्हें कोई सेकंड जॉब मिलेगी। जैसा कि आपने सवाल पूछा है अपने कैरियर को लेके कि आप एक्टिंग लाइन में हैं, वो मैं देख रही हूँ पीछे काफ़ी आपने स्ट्रगल किया है और अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपका कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस करिए। आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। जिस तरह की सफलता आप अपने इस कैरियर में चाहती हैं वैसा आपको वो मुकाम ज़रूर हासिल होगा। उसके लिए आपको छोटा सा शुक्र से जुड़ा हुआ एक उपाय अगर आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी वो सफलता मिलेगी जिस प्रकार आप चाहती हैं। सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपने घर का साउथ ईस्ट जोन चेक करने की कि वहाँ कुछ ऐसी समस्या तो नहीं जिसकी वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटी आती हैं और डेवलप नहीं हो पा रही हैं। आपको एक डायरेक्शन और चेक करनी है अपनी ईस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि वो हमारी मीटिंग्स की, कम्युनिकेशंस की और डीलिंग की डायरेक्शंस होती हैं। तो अगर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आप एक रेड कलर की कैंडल जलाते हैं और अपने साउथ ईस्ट को एनहांस करते हैं तो आप देखेंगे आपको अपने मनपसंद रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और मेरी शुभकामनाएँ आपके कैरियर को लेकर आपके साथ हैं। अपर्णा जी, जहाँ तक मुझे लगता है आपके पति को आफ्टर रिटायरमेंट टैरो के अनुसार अगर मैं देखूं तो बिजनेस करना उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और महिलाओं से जुड़ा कोई भी व्यापार, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, कपड़ा, इस टाइप से कुछ भी अगर वो काम करते हैं, परफ्यूम्स, खाने पीने का काम अगर करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। हेलो रजनी मैम, मेरा नाम दीप्ति सैनी है और मैं आपका चैनल काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ यूट्यूब पर। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि मैंने अभी मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2017 के पेजेंट के बाद काफ़ी सक्सेस ली है और मुझे इंटरनेशनल लेवल से भी काफ़ी प्रपोजल्स आ रहे हैं, मूवी के लिए भी काफ़ी प्रपोजल्स आ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे मूवी फील्ड में जाना चाहिए, वो मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़, मैं आउट ऑफ इंडिया सेटल होने का प्लान कर रही हूँ इन कमिंग ईयर्स, तो क्या वो डिसीज़न मेरा सही रहेगा और शुड आई बी हियर इन इंडिया ओनली। नमस्कार दीप्ति, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पहले तो आपके कैरियर के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप इसी तरह ग्रोथ करते रहें और इंडिया का नाम रोशन करते रहें। देखते हैं टैरो कार्ड आपके सवाल के जवाब में क्या बताते हैं। दीप्ति, आने वाला टाइम आपका बहुत ही अच्छा है। आपको रेगुलर फॉरेन से बहुत अच्छे प्रपोजल मिलते रहेंगे और शायद जहाँ तक मुझे लगता है अभी भी आपके हाथ में फॉरेन से जुड़े कुछ ना कुछ प्रपोजल अवश्य होंगे। आपने दूसरा सवाल पूछा है कि मुझे फिल्म लाइन में मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ, ऑलरेडी आपके लिए प्रपोजल होने चाहिए और आने वाले टाइम में फिल्म से जुड़े, सीरियल से जुड़े और एड से जुड़े हुए बहुत सारे प्रपोजल आपके हाथ में आने वाले हैं। आप बस एक खुशखबरी का इंतज़ार कीजिए। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि मुझे इंडिया में रह के ही अपना कैरियर सेटल करना चाहिए या फॉरेन में मुझे शिफ्ट होना चाहिए। अभी आप इंडिया और फॉरेन दोनों जगह आपका ट्रैवल लगातार बना रहेगा। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल के बाद हो सकता है कि आप फॉरेन शिफ्ट हो जाएं और फॉरेन में जाके भी अपने हिंदुस्तान का नाम बहुत रोशन करें। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हेलो रजनी जी, मेरा नाम मीना गुप्ता है और मैं यूट्यूब पर आपका जो चैनल आता है ऑलमोस्ट डेली देखती हूँ। मैं पिछले 8 इयर्स से इवेंट इंडस्ट्री में हूँ और अच्छी ग्रोथ मिल रही है, बट उसमें और मुझे कैसे अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, कैसे और अच्छा सक्सेस हो सकता है उसके लिए। और दूसरा मेरी एल्डर डॉटर के लिए ये है, आकांक्षा गुप्ता उसका नाम है। शी इज़ डूइंग जॉब बेंगलोर में अभी। उसका अगर ना इंटरेस्ट बॉलीवुड में या फैशन इंडस्ट्री में है तो क्या उसमें उसको सक्सेस मिलेगी, उसमें ट्राई करना चाहिए। और मेरी छोटी वाली डॉटर, उसका नाम अनुभूति गुप्ता है, वो सीए कर रही है, सेकेंड ग्रुप क्लियर हो गया है, तो उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, ब्राइट कितना रहेगा सीए में, या उसको आगे आईएएस के लिए ट्राई करना चाहिए, उसका मन है। आप इवेंट की लाइन से जुड़ी हुई हैं, आने वाला वक्त आपका कैसा है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अगर मैं बात करूं, अब जो ये सीज़न आ रहा है, वेडिंग का सीज़न है और इवेंट्स का सीज़न है पूरा, तो ये टाइम से आपका कैरियर एक नई ऊंचाइयां लेना शुरू करेगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, जिस टाइप की सफलता आप चाहती हैं वो आपको अवश्य मिलेगी। और आपने अपने डॉटर के लिए एक सवाल पूछा है कि आपकी जो बड़ी डॉटर है वो फिल्म लाइन में या इसमें जाना चाहती है, उसके लिए कैसा रहेगा। डेफिनेटली अगर उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आने वाले वक्त में उसको अवश्य मिलेगी, तो उनको फील्ड में जाके अपना कैरियर बनाना चाहिए, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। मॉडलिंग में भी वो ट्राई कर सकती हैं और फिल्म लाइन में भी ट्राई कर सकती हैं। दूसरी डॉटर के लिए आपने सवाल पूछा था कि उनको सीए में अपना कैरियर बनाना चाहिए या आईएएस के लिए। जहाँ तक मुझे कार्ड्स के अनुसार लगता है कि उनको सीए को ही अपना कैरियर बनाना चाहिए। कैरियर सीए में अगर वो बनाती हैं तो वो एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगी, बहुत सफलता हासिल करेंगी। आईएएस के लिए मैं थोड़ा अभी उनको सजेस्ट नहीं करूँगी, काफ़ी वक्त है, पहले उन्हें अपने सीए के कैरियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको इवेंट की लाइन के लिए, सफलता के लिए मैं एक छोटा सा उपाय देना चाहूँगी, जिसको अगर आप फॉलो करती हैं तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, हर एक मंगलवार को 5 केले हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको अर्पित करने हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि वो केले आपस में 5 एक साथ हों, ऐसा ना हो कि 2 केले एक साथ हैं या 3 केले एक साथ हैं। वो बंच अगर आप चढ़ाती हैं एक साथ हर एक मंगलवार को, तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हेलो रजनी जी, मेरा नाम कपिल गोयल है और मेरा एक सवाल है। मैं आपके प्रोग्राम हमेशा देखता हूं और काफ़ी आपसे इम्प्रेस्ड हूं। मुझे आपसे ये पूछना है, मेरा काम बेसिकली इंटरनेशनल रियल एस्टेट का है। जैसा कि आपको भी आइडिया होगा कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मंदी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कब तक वापस से प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा? ये मेरा आपसे मेन सवाल है। और दूसरा मुझे भी ये एक प्रश्न और पूछना है कि मेरा कैरियर जो है उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी कम है कुछ समय से, तो मुझे पूछना है कि कब तक आपको लगता है कि मेरा करियर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा? आई विल हैव स्टेबिलिटी इन माई करियर नाउ। प्रॉपर्टी का जो आपने सवाल पूछा है, ये तो सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में प्रॉपर्टी मार्केट अभी काफ़ी डाउन है। उसको अभी उठने में बहुत वक्त लगेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि 2.5 से 3 साल अगर हम वेट करें तो थोड़े से रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन इंटरनेशनल अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो 2020 से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा आपने सवाल पूछा अपने कैरियर को लेके कि कैरियर में आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है, उसकी स्टेबिलिटी कब से अच्छी होगी। जहाँ तक मुझे लगता है कपिल टैरो के अनुसार कि काफ़ी लंबे समय से आपने अपने कैरियर में काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे हैं। और जैसे आपने इंटरनेशनल मार्केट की बात की, ऑलरेडी आप इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको दिसंबर जनवरी फरवरी तक थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में आपका दूसरा कार्य भी कुछ शुरू होने वाला है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हो सकता है वो ज्वेलरी से जुड़ा काम हो सकता है वेडिंग से जुड़ा कोई काम हो सकता है इवेंट से जुड़ा कोई काम हो। अगर इस टाइप का कोई प्रपोजल आपको मिलता है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हेलो रजनी मैम, मेरा नाम नेहा सूद है। रजनी मैम, आपकी मैंने सारी वीडियोस देखी हैं, आपकी रेमेडीज़ ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है। रजनी मैम, मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा करियर कैसा रहेगा आगे, एंड सेकंड क्वेश्चन है मेरी बिटिया के लिए कि मेरी बिटिया आगे क्या करे और कैसे करे। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी वक्त चल रहा है, नो डाउट बहुत प्रेशर का है, परेशानी का है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने शायद फेस भी की हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, ये बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे कि जो जून जुलाई अगस्त आपका टाइम गया है, कुछ एक ग्रोथ आपको ज़रूर मिली होगी। लेकिन फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो आपको जल्दी ही कोई नया प्रपोज़ल मिलने वाला है। जो नया प्रपोज़ल होगा उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको कैरियर में बहुत सारी सफलता देगा, ऊंचाइयां देगा, और जो भी आपके क्राइसिस चल रहे हैं उसमें आपको निजात मिलेगी। जहां तक आपके डॉटर की फ्यूचर की बात है, जो मैं देख रही हूं पिछले काफ़ी समय से शायद वो थोड़ी अपसेट थी, रीज़न चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अब आने वाला समय उसका बहुत अच्छा है। अगर वो स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी एक्टिविटी में अपना कैरियर बनाती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर लीगल फील्ड में भी, जैसे अगर वो LLB करना चाहती हैं, इस फील्ड में भी अगर वो अपना कैरियर बनाती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा एक ऑप्शन मैं और देना चाहूँगी, एज ए काउंसलर साइकोलॉजी अगर वो पढ़ती हैं या टीचिंग लाइन में वो जाना चाहती हैं तो उनके लिए वो भी बहुत सूटेबल करियर रहेगा। परेशान ना होइए, उनका वक्त अभी चेंज होने वाला है। उनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए कि आपको कांच का एक ग्रीन कलर का बॉटल लेना है, उसमें रात को आपको पानी भरना है और मॉर्निंग में जब फर्स्ट पानी वो पीती हैं तो वो ग्रीन बॉटल वाला पानी आप उनको पिलाइए। उससे उनका कॉन्फिडेंस, उनका नर्वसनेस मतलब बहुत अच्छा उनके लिए रहेगा, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा और वो जो भी डील करेंगी, जो भी आगे बढ़ना चाहेंगी, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेंगी, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी यंग जनरेशन के लिए और बाकी महिलाओं के लिए भी कि ये ग्रीन कलर का पानी कांच की बोतल में कोई भी पी सकता है, क्योंकि इससे हमारी ब्यूटी निखर के आती है और हमारी स्किन बहुत खूबसूरत होती है। अंतर्शक्ति चैनल पे अपने सवाल भेजने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पे इसी प्रकार आप जुड़े रहिए, अपने सवाल भेजते रहिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप अपना वीडियो बना के भेज सकते हैं सवाल के साथ। इस प्रोग्राम में आपके सवाल शामिल किए जाएंगे, उनका जवाब आपको दिया जाएगा और उनके उपाय आपको बताए जाएंगे, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता और खुशियाँ मिलती रहेंगी। हमारे चैनल अंतर्शक्ति से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।